कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि ये कुछ इस तरीके की फ्लैप वाली चाबी आपने कैसे बनाई, या फिर ये चाबी अगर बनवानी हो, हमें भी बनवानी है, तो हम कैसे बनवा सकते हैं, या फिर हमारी कार के अंदर कुछ इस तरीके की चाबी आती है और अगर हम चाहते हैं अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके की चाबी बनवाना, तो वो हम कैसे बनवा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए आपको कैसे बनवानी है ये चाबी। दो हज़ार नौ के बाद जितनी भी गाड़ी के अंदर चाबी आई फॉर द सेफ्टी फीचर, उन गाड़ी की चाबियों के अंदर हमेशा एक सेंसर लग के आता है। कह सकते हो इस रबड़ की जो केसिंग है इसको काटते हैं तो इसके अंदर एक सेंसर निकलता है कुछ इस तरीके का। वो सेंसर एक एक्चुअली कोडिंग होती है, जब मैच करती है तो ही गाड़ी ऑन होगी। जब हमने ये वाली चाबी बनवा ली तो इसका जो सेंसर था ये वाली चाबी का, वो इसके अंदर इंस्टॉल करवा दिया। अब जब सेंसर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया तो ये चाबी एक तरीके से बेकार हो चुकी है एज ऑफ नाउ। जब तक इस चाबी के अंदर सेंसर है ये वाली चाबी कभी काम नहीं करेगी। बताना चाहूँगा अगर आपके पास अपनी गाड़ी की एटलीस्ट एक ओरिजिनल चाबी नहीं है जिसके अंदर प्रॉपरली सेंसर लगा हुआ है, तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस क्लेम के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। इफ इन केस अगर आप इस चीज़ के बीच में फंस जाते हैं तो कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस चाबी को भी रीजन बताकर आपका इंश्योरेंस क्लेम को रद्द कर देती है। Super hot, I never heard of you. इस तरीके से यहाँ से ब्लेड से काट कर इसके अंदर से सेंसर निकाल दिया। अब इन रिमोटों के अंदर एक छोटी सी प्रोग्रामिंग होती है, तो इसके अंदर एक लॉजिकल बोर्ड है और इसके अंदर भी एक लॉजिकल बोर्ड है। तो इसके लॉजिकल बोर्ड की प्रोग्रामिंग इस रिमोट के अंदर कर दी क्योंकि इस रिमोट का शेप थोड़ा सा अलग है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसी को एज इट इज़ उठा के इसके अंदर लगा दिया, बट ऐसा नहीं है। इस तरीके की चाबी बनाने के लिए हमें डायमंड कटिंग का यूज़ करके सेम इसी डिज़ाइन को एक दूसरे नए प्लेन डिज़ाइन के ऊपर उतारना पड़ता है। अब इसका सेंसर इसके अंदर, इसके रिमोट की प्रोग्रामिंग इसके अंदर, साथ में सेम जो की है वो डायमंड कटिंग से इसके ऊपर बना के ये वाली चाबी बना दी जाती है। अगर इस रामपुरी चाबी की असेंबली की बात करूँ तो इसको पॉप करने के लिए यहाँ से खोलना पड़ता है और इसी के अंदर पीछे की तरफ एक बैटरी होती है जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो कहना चाहूँगा जिन गाड़ियों के अंदर सेंसर होते हैं उन गाड़ी वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर इफ़ इन केस सारी चाबियाँ उनकी गुम हो जाती है तो। अब मेरे को भी क्या मजे आ रहे हैं आपको ये बता के, उसका रीज़न ये है क्योंकि 6 से 7 महीने सेंट्रो इसीलिए ही खड़ी रही थी क्योंकि उसकी चाबी गुम हो गई थी। घिस घिस कर उसकी चाबी बनाई पिछला वाला लॉक खोल कर। जिनमें नहीं है गाड़ियों में उनका फ्रंट का या साइड का कैसे ना कैसे करके लॉक खोल कर बना देते हैं। जिनकी गाड़ी पुरानी है 2009 से उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उनकी गाड़ी में सेंसर होता नहीं है। सिर्फ स्केल मारा और दरवाजा खोला, दो तार जोड़े और कार लेके चोर भगता फिरता है। जिन्होंने अपनी चाबी गुम कर दी अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है और उसके बाद आप इजिली चाबी बनवा भी सकते हैं। बाईपास करने वाले भी आपको मिल ही जाते हैं, वो भी इजी और किफायती रेट पे। सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के लिए कहना चाहूंगा उसकी क्लोनिंग होती है, कॉपी करके सेम दूसरे रिमोट के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, मशीन्स होती है उसके थ्रू। सारे बाइक लवरों से मैं कहना चाहूंगा पहली चीज तो सेंट्रल लॉकिंग लगवाते हो तो अच्छी कंपनी की लगवाओ, और बाकी जितने भी ये चाइनीज अड़ंगे आते हैं कि आप फिंगरप्रिंट से ऑन कर सकते हो, बटन से ऑन कर सकते हो, मोबाइल से ऑन कर सकते हो, चाबी से भी ऑन कर सकते हो, 10 चीज़ों से ऑन कर सकते हो, तो किसी दिन ऐसा होगा कि आप जाओगे किसी डेयरी की दुकान पे दूध लेने, वापसी आओगे तो आपकी गाड़ी मिलेगी नहीं। इनकी ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है, कार बंद रहती है तो उसके अंदर जल्दी से छेड़खानी करना आसान नहीं है, लेकिन बाइक के अंदर है ये तब आपसे पूछूंगा भाई बता फिंगरप्रिंट लगा के लेके गया है या चाबी लगा के। सेफ्टी फीचर के अकॉर्डिंग तो ये अच्छी बात है। चोरी के बारे में बात करूं तो मेरी रिसर्च ने मुझे इतना तो ढूंढ के बता दिया कि जो हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी भी चोरी होती है वो इस तरीके से होती है क्योंकि चोर जो होते हैं उन्हें स्कैनर जो कि गाड़ियों की स्कैन कर सकते हैं, जैमर जो कि सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि सेंटर लॉकिंग ना बजे, और एम्पलीफायर अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो एम्पलीफायर के थ्रू वो उस गाड़ी को बाईपास करके ले जा सकते हैं दूर और वहाँ जाके अपना काम टर्न कर सकते हैं। तो पहली चीज़ दिमाग और फुर्ती दोनों होती है, चोर बनना भी कोई आसान बात नहीं है, पब्लिक से पकड़े गए तो मार पिटाई अलग पड़ेगी। पहली चीज़ जो उनके अंदर होती है वो होती है भाई फुर्ती, 6 सेकंड के अंदर वो आपकी गाड़ी को खोल के बाईपास कर देंगे। दो बंदे लगे होते हैं, इधर होता है कंप्यूटर जैसा कोई डिवाइस होता है कि सेम सिग्नल को बाईपास कर देता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, या तो जैमर होता है जो अलार्म सिस्टम बजने से रोक देता है, या फिर उनके पास एम्पलीफायर होता है जो कि स्टार्ट कर देता है आपकी गाड़ी के इंजन को, वहां पड़ी दूर चाबी को यहां से स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारी दुनिया भर की चीजें हैं भाई जो हम लोग कहते रहते हैं ना भाई मैं कैसे करूं मुझसे कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको दरअसल चोर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्चुअली फुर्ती चोरों की तरह ही ले आओ। बाकी अगर आप भी ऐसी फ्लिप की बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली इनकी कॉस्टिंग 1500 से 2000 आती है क्योंकि उसके अंदर रिमोट प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी ये डायमंड कटिंग होती है जो कि हम सेम चाबी से बनाते हैं, तीसरा ये सेंसर निकाल के इसमें लगाने का काम होता है, इसके अंदर बैटरी डलती है तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग इतनी आ जाती है। अगर आप दिल्ली से हैं बेसिकली तो करोल बाग में काफ़ी दुकानें हैं जो ऐसा काम करते हैं, और इफ़ इन केस अगर मान लीजिए आपके पास सारी चाबी गुम हो जाती है, मतलब आपके पास अपनी सेंसर वाली कोई भी चाबी नहीं रहती है, ये भी नहीं रहती है, ये भी नहीं रहती है, ये भी नहीं रहती है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी का एटलीस्ट एक लॉक जैसे न तैसे खोल कर, दरवाज़ा खोल कर या साइड का लॉक खोल कर दरवाजे से मैचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और वैसे ही नॉर्मली की बनानी पड़ेगी। और अगर उस आपकी गाड़ी में सेंसर लगा हुआ था तो सेंसर प्रोग्रामिंग के लिए अलग से बॉक्सेस आते हैं जो कि उस सारी कोडिंग को वहाँ से रीड करते हैं, मैच करते हैं, कोडिंग को मैच करने के बाद सेम एज इट इज़ वैसी की बना देते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।